गाइस देखिए, मेरे घर में भारत का नक्शा बन रहा है। रोटी गोल गोल नहीं बनती है मेरे घर में। बस जैसे भी बन जाती है। मैंने कितनी बार दीदी को कहा कि कटोरी से काट लो, पर मेरी रोटी भी बन रही है। और मैं पापा से बात कर रही थी, वो पापा कुछ तब बात कर रहे थे। कहाँ पर से ले लो? इधर रोटी बन रही है। रोटी मेरी काफी उतनी अच्छी तो नहीं है ना गाइस, पर बना रही हूँ। कोई बात नहीं। तुम लोग वही खाओ, तुम्हारे नसीब में वही है कच्ची रोटी। जिस दिन खुद से बनाने आ जाएगा ना, उस दिन खाना अच्छी वाली बनती है। 7 बज गया, 7 बज गया, हॉर्न चल रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। ये डिफेंडी की आवाज है 7 बजे का हॉर्न। और मेरा नाश्ता वो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि मेरे पापा को बोल रहा है आप जल्दी से ड्यूटी पर आ जाइए। हाँ, मेरा नाश्ता ही तैयार है, बस पापा खाएंगे। तो ये पापा का सुबह का नाश्ता, भिंडी का भुंजिया और रोटी तैयार है। और पापा जी खा रहे हैं यहाँ पर और पूछ रहे हैं कि आज कौन सा दिन है। और फिर यहाँ पर रेशम जो है वो रोटी में घी लगा रही है, नाश्ता पापा का, क्योंकि लंच पैक कर रही हैं वो। तो ये रेशम रोटी में घी लगाई, टिफिन में भुंजिया डाली, और इधर दही चीनी पापा के टिफिन में पैक हो रहा है। और ये रेशम पापा के टिफिन में रोटी को डाल रही है। तो टिफिन को अच्छी तरह से रेशम ने पैक कर दिया। अब यहाँ पर रेशम जो है वो मतलब पापा के नाश्ता के बाद अपने लिए यानी कि पूरे फैमिली के लिए सब्जी काट रही हैं, बैगन की, जिसमें बैगन जो है ना बहुत ज़्यादा सरा हुआ निकल रहा है, तो वो काट भी रही है। और गुस्सा बन गया रोटी, और आज मुझे कॉलेज भी जाना है, तो जल्दी से मैंने पापा को खाना बना कर दे दिया है। अब मैं इधर का खाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं चलती हूँ, कॉलेज के लिए तैयार होना है मुझे। रोटी बन गया दोस्तों, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ कॉलेज। कॉलेज आज मेरा Part 3 का एडमिशन चालू हो चुका है, तो मैं वही एडमिशन करवाने के लिए जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड रास्ते में वेट कर रही है मेरा, तो आगे मैं कोशिश करूँगी कि अपने कॉलेज का थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करूँ और आपको दिखाऊँ। तो चलिए, और ये देखिए मेरा बैग, सारा चीज़ मैचिंग मैचिंग पहन कर हम कॉलेज के लिए निकल सक हैं। और मैं साइकिल से जाने वाली हूँ कॉलेज, और इतना धूप, इस करकरी धूप में निकल रहे हैं। यहाँ पर तो वैसे हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और मेरी सवारी आ चुकी है, ये रही मेरी सवारी जो मुझे कॉलेज तक का सफ़र करवाएगी। तो चलिए कॉलेज चलते हैं और मिलते हैं आगे। ये चौक पर मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है, और ये मैं साइकिल के दुकान पर रुकी हूँ क्योंकि मुझे साइकिल ठीक करवाना था। आप देख सकते हैं अंकल जी साइकिल ठीक कर रहे हैं, और ये सड़क बन रहा है जिसके कारण यहाँ पर नाला बन रही है, जिसके कारण यहाँ पर खुदाई की हुई है। और ये मैं कॉलेज पहुँच चुकी हूँ, ये कॉलेज का गेट के पास का भीड़ है। और ये कॉलेज का अंदर का सीन है जो आप देख रहे हैं। कॉलेज के अंदर का सीन काफ़ी ज़्यादा देखने लायक और अच्छा भी है, बहुत ज़्यादा गार्डन पूरा एकदम बागवानी से सजाया हुआ है। और यहाँ पर भीड़ थी, और ये देख सकते हैं पूरा जितना भी पेड़ पौधा सारा सजाया हुआ है, बहुत अच्छा व्यवस्था। और ये मेरी फ्रेंड के साथ सेल्फी ली गई थी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी, तो मेरी फ्रेंड मुझसे कह रही थी कि मतलब कृति तुम जो हो वीडियो मतलब फ़ोटो नहीं ले रही हो, वीडियो बना रही है। तो मैं कह रही हूँ कि वीडियो मतलब अच्छा आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इस तरह मैंने वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाया। और ये फूल जो है ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था देखने में, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना ये फूल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पर हमने साइकिल लगाया हुआ है, जिसके कारण मैं अब निकल रही थी तो साइकिल लेने के लिए आई थी। ये फूल मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा खिला हुआ था। तो अब मैं फाइनली आ चुकी हूँ अपने घर, रूम में बैठ चुकी हूँ। आज तो काम हुआ नहीं है पूरा मेरा, कल मेरा पूरा काम बनेगा, आज तो आधा ही काम हुआ है। और कुछ कॉलेज का रिकॉर्ड की थी वीडियो, आप लोग को पसंद आया होगा। और ये ब्लॉग कैसा लगा मेरा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर ना ज़्यादा मतलब कि बाहर में आप ना ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग। मैं साइकिल के दुकान पर मतलब कि वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो साइकिल वाले अंकल कहते हैं क्या ये क्या कर रही हो
ये क्या कर रही हो। उन्हें लगा कि हम जैसे कि ऐसा भी होता है ना कभी कभी कोई वीडियो बना देते हैं उस पर कंप्लेंट वगैरह कुछ बोल देते हैं पीछे से, तो इसलिए कर। और तो मैं ज़्यादा हर जगह का नहीं कर रही थी, बस जहाँ पर देख रही थी सिंपल से कुछ लोग नहीं थे तो वहाँ पर जाकर मैं थोड़ा सा पीछे से रिकॉर्डिंग कर लेती थी या अपना सेल्फी वगैरह करने के लिए तो थोड़ा सा बना लेती थी। और बाकी आपने कॉलेज देखा ही होगा। और फिर आज कुछ बस इतना ही, तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से हम मिलते हैं। तब तक राधे राधे, अपना ख्याल रखें। और रेशम पता नहीं क्या खाना लेकर आ रही है। रेशम जरा आना, तो रेशम खाना लेकर आई है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये रत्तू सब्जी और रोटी, बैंगन की सब्जी है, रत्तू है और रोटी है, यही रेशम लेकर आई है जस्ट। और मैं तो अभी आई हुई हूँ, तो चलिए